मोदी के दौरे से पहले प्रदेश की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया। डोटासरा ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक। वहीं बीजेपी ने डोटासरा की मांग को भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला बताया। देखिए, हमारी जो देश की जनगणना है वो 11 से 15 के बीच में हुई थी, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना भी हुई थी, लेकिन केंद्र की सरकार उसके आंकड़े रिलीज नहीं कर रही है। और 2011 के बाद में 2021 में दोबारा जनगणना का समय आ गया, लेकिन अभी 2023 आने के बावजूद भी केंद्र की सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। इसलिए हमने राजस्थान सरकार की तरफ से संकल्प भी पारित किया राजस्थान की विधानसभा में सर्वसम्मति से कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसको उतनी योजनाओं का और आरक्षण का और सुविधाओं का लाभ मिले। लोगों को तोड़ना कांग्रेस की पितृत्व हमेशा से रही है, और अब जातिगत जनगणना का नारा देकर कांग्रेस लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रही है। बिहार के अंदर भी जातिगत जनगणना के ऊपर माननीय न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जब माननीय न्यायालय की रोक के उपरांत भी कांग्रेस के नेता इस तरीके का संकल्प पारित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है वो कभी भी कांग्रेस के इस प्रकार के भ्रमित करने वाले बहकावे में आने का काम नहीं करेगी। और हमेशा इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर कौन ले जा सकता है, इस देश को पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर कौन बना सकता है, इस देश के अंदर गरीब का कल्याण कौन कर सकता है, जनता अब उसी के साथ है।